नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पतले बालों को मोटा करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के समय में पतले बालों की समस्या आम बनती जा रही है। पतले बालों की समस्या को दूर करने के लिए लोग कई उपाय ट्राई करते हैं, जो असफल होने पर बाल मोटे होने की बजाय टूटने लगते हैं। आप किसी गलत नुस्खे के चक्कर में ना पड़ते हुए ऐसे टिप्स को अजमाएं जिनसे आपके बालों पर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े। दोस्तों कई लोगों के बाल पतले होते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए लोग महंगे उत्पाद और ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, पर उसका कोई खास असर बालों पर नहीं पड़ता। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पतले बालों को मोटा करने के घरेलू उपाय के बारे में। नंबर एक, प्याज के रस का इस्तेमाल। दोस्तों पतले बाल को मोटा दिखाने के लिए आपको प्याज का रस इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज के रस से आप हफ्ते में 3 दिन बाल धोएंगे तो पतले बाल की समस्या दूर होने लगेगी। किसी को भी पतले और बेजान बालों से नफरत होगी। पतले बाल पूरे लुक को खराब कर देते हैं। बालों में पोषण की कमी, हार्मोन इनबैलेंस की कमी के कारण बाल पतले हो जाते हैं। नंबर दो, ओलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। दोस्तों बालों को मोटा और घना करने के लिए आप हफ्ते में 3 बार शैम्पू करने से पहले बालों पर ओलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिलाकर बालों पर लगा सकते हैं। इससे बाल मोटे और घने होते हैं। नंबर तीन, आंवले का इस्तेमाल करें। दोस्तों आंवला बालों के लिए असली औषधि है। आप पतले बालों को मोटा करने के लिए आंवलों को भिगोकर सुबह उसके पानी से सिर धो सकते हैं। आपको कोशिश करनी है ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जो कम चिपचिपा हो, और आप कोकोनट या रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हैं। नंबर चार, गीले बालों पर ना करें कंघी। दोस्तों आपको गीले बालों पर कंघी करना अवॉइड करना चाहिए, इससे बाल पतले होते हैं। इसके अलावा आपको बालों को खींचकर बांधना भी अवॉइड करना चाहिए। आप चोटी बनाते समय बाल को थोड़ा लूज बांधना है ताकि बाल खींचे नहीं। आपको गीले बालों पर मोटे दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि गीले बालों को सूखने के बाद कंघी करें। गीले बाल उलझ कर टूटते हैं और बाल पतले हो जाते हैं। नंबर पाँच, गुड़हल का इस्तेमाल। दोस्तों बालों को मोटा करने के लिए आप गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल से आप हेयर पैक बनाकर बालों पर लगाएं तो पतले बाल मोटे हो पाएंगे। आप 30 मिनट हेयर मास्क को बालों पर लगा रहने दें, फिर 30 मिनट बाद शैम्पू करके सिर धो लें। अच्छे परिणाम के लिए हफ्ते में 2 बार हेयर मास्क को लगाएं। आपको अपने बालों के लिए सही शैम्पू का चुनाव करना चाहिए। अच्छे ब्रांड के शैम्पू को ही यूज करें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।